गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों, मास्टर की ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है एक्सेल बोलता भी है। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एमएस एक्सेल में जो आप डाटा एंट्री करते हैं वो कैसे बोलेगा बिना सॉफ्टवेयर के। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। How to speak Excel. टॉपिक पे डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं एग्जाम्पल। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आप 10 के अनाउंसमेंट्स को सुनिए। May I have your attention, please? Train number 12309, which is running from Mumbai to Goa, will be arrived 45-minute delay. We are sorry for inconvenience. Thank you. आप कोई भी डाटा नेट या किसी ई-बुक से एक्सेल में डाउनलोड करके आप इसे सुन सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने आइंस्टीन के कुछ कोट्स लिए हैं नेट से, जिसे मैं सुनाता हूँ। Two things are infinite: the universe and human stupidity. And I'm not sure about the universe. There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle. I am enough of an artist to draw freely upon my imagination. Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world. If you can't explain it to a six-year-old, you don't understand it yourself. If you want your children to be intelligent, read them fairy tales. If you want them to be more intelligent, read them more fairy tales. Logic will get you from A to Z. Imagination will get you everywhere. Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Anyone who has never made a mistake has never tried anything new. अभी आप देख रहे थे एक्सेल के बोलने का कुछ एग्जांपल। अब ये कैसे वर्क करता है, आप कैसे एक्सेल बोलेगा, इसके लिए स्टेप्स आपके स्क्रीन पे हैं। आप चाहे तो इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं, लेकिन हम इसे आप प्रैक्टिकली दिखाएंगे। सबसे पहले आप स्टेप्स नोट कर लीजिए। और स्टेप्स क्या है ये एक्सेल खुद बोल करके आपको बताएगा, ऐसे आप गौर से सुनिए। फर्स्ट गो टू द क्विक एक्सेस टूल बार, क्लिक कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, देन क्लिक मोर कमांड्स, इन द चूज कमांड्स फ्रॉम लिस्ट Select all commands. Scroll down, and for each text-to-speech command that you want to use, click any of the speak cells command, and then click Add. Click OK. When you want to use a text-to-speech command, click it the quick access toolbar. सबसे पहले हम quick access toolbar पे जाएंगे, और फिर customize quick access toolbar पे जाके मोर कमांड पे जाएंगे। तो ये क्विक एसेस टूलबार है कहाँ, देखिए सबसे ऊपर में ये आपका ड्रॉप डाउन मेनू की तरह ये सबसे लास्ट में आपको ये मिलेगा। यहाँ आपको क्लिक करना है, ये आप देख पा रहे हैं। चलिए इसे मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं एरो, ये आपको क्विक एसेस टूलबार है, और इसमें खोलते ही आपको आ गया कस्टमाइज क्विक एसेस टूलबार। और अब इससे नीचे जाना है स्क्रॉल करके, और यहाँ से आपको जाना है मोर कमांड, यानी कि कस्टमाइज क्विक एसेस टूलबार में नीचे स्क्रॉल करके हम मोर कमांड पे जाके क्लिक करेंगे। इस तरह से क्विक एसेस टूलबार में जाना है और मोर कमांड पे क्लिक करना है। आप जैसे ही मोर कमांड पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। आप प्रैक्टिकली देखिए, मैं
कस्टमाइज क्विक एसेस टूल बार पे गया, मोर कमांड पे क्लिक किया, और जैसे मोर कमांड पे क्लिक किया तो एक चूज कमांड फ्रॉम आता है, यहाँ ड्रॉप डाउन मेनू पे जाना है, और ड्रॉप डाउन मेनू पे जैसे ही आप जाएंगे तो फिर आपको ऑल कमांड पे क्लिक करना है। इसे आप जूम करके भी देख सकते हैं, यहाँ कस्टमाइज द क्विक एसेस टूल बार है, और यहाँ आपको बाय डिफॉल्ट पॉपुलर कमांड आता है, लेकिन आपको थोड़ा नीचे जाना है, तीसरे नंबर पे ऑल कमांड है, ऑल कमांड को क्लिक करना है। तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप भी रहेगा, ऑल कमांड पे क्लिक करना है। इसके बाद अगला स्टेप है, आपको स्क्रॉल डाउन करना है एंड फॉर इस टेक्स्ट टू स्पीच कमांड दैट यू वांट टू यूज क्लिक एनी ऑफ द स्पीक सेल कमांड एंड देन क्लिक ऐड। देखिए हम कैसे इसको करते हैं। सबसे पहले क्विक एसेस टूल बार पे गए, यहाँ से हम कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार पे गए और यहाँ मोर कमांड पे गए। मोर कमांड आने के बाद में यहाँ से चूज कमांड फ्रॉम में हम ऑल कमांड्स लिए, और ऑल कमांड्स के बाद इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे। जैसे इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे में आएगा आपको टेक्स्ट टू स्पीच कमांड, इसके बाद आपके पास अलग अलग ऑप्शन आएगा, स्पीक सेल स्टॉप स्पीकिंग सेल, स्पीक सेल बाय कॉलम्स, स्पीक सेल्स बाय रो, स्पीक सेल्स ऑन इंटर। तो अलग अलग इसमें से जो आपका चॉइस है ले सकते हैं, स्पीक सेल ले सकते हैं, स्पीक स्टॉप करने के लिए है, स्पीक सेल बाय कॉलम, स्पीक सेल्स बाय रो, स्पीक सेल्स बाय इंटर, ये अलग अलग फीचर है। इसे आप सेलेक्ट करेंगे और कोई एक लेट स्पीक सेल क्लिक कीजिए और यहाँ ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये आपका लेफ्ट टू राइट आ जाएगा, क्योंकि मैं ले लिया हूँ तो ये दिखा रहा है कि ऑलरेडी ये सिलेक्टेड है। अब इस पर सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में नीचे आपको ओके पे क्लिक करना है। इस तरह आपको ऐड पे जाके ओके पे क्लिक करना है, और जब आप इसे क्लिक करेंगे तो ये क्विक एसेस टूल बार में ये आइकॉन दिखने लगेगा। इसके बाद आप जब भी आप कोई डाटा पे क्लिक करके फिर आप क्विक एसेस टूल बार में जाके ये जो आइकॉन देख रहे हैं स्पीक सेल पे क्लिक करेंगे तो ये बोलना स्टार्ट कर देगा, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday। इसके बाद स्पीक सेल ऑन इंटर पे अगर आप क्लिक करके बोल क्लिक करेंगे तो इसके बाद जैसे आप इंटर करेंगे ये बोलना स्टार्ट कर देगा। इस तरह से जैसे आप जैसे ही इंटर मारेंगे ये स्पीक स्टार्ट कर देगा। मंडे Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday। इस तरह शॉर्टकट जो स्टेप था वे क्विक एसेस टूल बार में जाना था, कस्टमाइज क्विक एसेस टूल बार में जाके मोर कमांड पे जाना था, मोर कमांड में चूज कमांड में लिस्ट एक आएगा उसमें आपको ऑल कमांड सेलेक्ट करना था, स्क्रॉल डाउन करना था, टेक्स्ट टू स्पीच में अलग अलग आपके पास कमांड आएगा उसमें से स्पीक सेल कमांड में से कोई एक सेलेक्ट करना है, चूज करना है और क्लिक करके इसको आप ऐड पे क्लिक कीजिए, फिर ओके पे क्लिक कीजिए। इसके बाद क्विक एसेस टूल बार में आपको ये आइकॉन दिखने लगेगा, फिर आप जहां स्पीक कराना चाहते हैं उस सेल पे क्लिक करके आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो ये एक सेल ऑटो बोलने लगेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।
फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।